एक रूम वो रहा, एक रूम ये रहा, और फिर ये ऐसी कॉमन एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो बाहर, और फिर आएगा रूम। मतलब इतना चलने के बाद ये कॉमन एरिया है, बाहर बालकनी में बैठ सकते हो, उसके बाद ये तीसरा रूम। अंदर से ये से आपके डुप्लेक्स जैसे होता है बनी हुई यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये देखो पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये होता है पेंट हाउस का मतलब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग हिमांशु, और आज है भाई सैटरडे। देखा आपने, काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं ऐसे डेली व्लॉग में। तो वही सैटरडे है और आज कुछ करने के लिए था नहीं, बहुत टाइम से हमारे ट्रैवल व्लॉग आ नहीं रहे हैं, किसी रीज़न से हम अपने अपने काम में बिजी हैं। वॉयजर आमिर, फाइनली हम मिल चुके हैं दोबारा से, और पीछे भाई हमारी पूरी दोस्तों की टोली बैठी है, पलटन बैठी है भाई, वो सब तो ठीक है। ये देखो इरफान भाई, ये साउथ भाई, ये आते नहीं ज़्यादातर वीडियो में, और ये साहिल भाई अपने। तो भाई कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो बता दो, अभी तू ही बताएगा रुचा भाई, बता हम कहाँ जा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, बता तू। हाँ हाँ भाई, हमारे दोस्त ने लिया है पेंट हाउस, तो उसने बुलाया अपने घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी में, तो हम जा रहे हैं उधर। वो है अपना गुड़गांव में, कौन से माले पे है, कौन से माले पे इरफान भाई, वो भाई 17-18 पे है, मतलब 17-18 माले पे। अभी हम जाके देखते हैं, और पूरा जो पेंट हाउस है ना, मतलब ऐसा लगा फिल्म ही होता है ना, मतलब फिल्म। तो भाई देखो, पेंट हाउस जो है, मतलब मैंने तो सच बताऊं तो भाई मैंने पेंट हाउस नहीं देखे है, ना मैं गया हूँ, मतलब मूवीज में देखे है, दिल्ली एनसीआर में जो मैंने फोटोज देखी है, उसके बाद आप कह नहीं सकते हो कि भाई ऐसी जगह दिल्ली एनसीआर में है। मतलब 21वें-22वें फ्लोर पे, जहाँ से सनसेट ऐसा लगेगा कि यार हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और पूरा बढ़िया नज़ारा एकदम वहाँ से, पूरा एक तरह से सिटी का नज़ारा आ जाएगा बढ़िया से। जो बोल रहा हूँ ना वो दिखाऊँगा, तो थोड़ा सा टाइम रुको, पहले से बता दिया कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप जगह देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा भाई, इसने वर्थ कर दिया आज सैटरडे हमारा। तो चलो मिलते हैं जल्दी से लोकेशन पे, बिना टाइम वेस्ट करे। ओ भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अरे आराम से आमिर। अरे भाई चल चल जाने ना है तू। ओ भाई, ये है सोसाइटी हमारी जहाँ पे हम पार्टी करने आए हैं, गोदरेज समिट, एवरेस्ट समिट हो गया है आके, तो ऐसा लग रहा है। अरे तो 16-17 ही है। नहीं नहीं भाई ज़्यादा होगा, फिर ये उधर वाले देखना, उस वाले लंबे लग रहे हैं उधर वाले। तो इरफान भाई आगे अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और हम पीछे देखते हैं हम। ओ ले भाई, बोलते ही साइड में पार्किंग आ गई, लगा दे भाई साइड में। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, देखो बहुत खुली पार्किंग है, यहाँ कोई डीजे चल रहा है, पार्टी वार्टी हो रही है। ये बी विंग है, सामान वामान लेके ऊपर जा रहे हैं, बी विंग से ऊपर चलते हैं। सोचा तो यही था यार, देखो ओ भाई साहब ऊपर कहीं पेंट हाउस है, वहाँ पे सनसेट देखेंगे, लेकिन लेट हो गए। आओ लेट्स गो, ऊपर चल के बात करता हूँ। रिसेप्शन है, बाहर गार्ड बैठा हुआ है, और ये देखो ये ऑफिस वगैरह। ओ भाई साहब अमेजिंग। हाँ लिफ्ट से आए हम, और ये 17th फ्लोर है, मुझे लगा था 22 है, 17-03। सो लेट्स गो, अब चलते हैं अंदर। इरफान भाई जी, भाई से मिलवाओ। आओ भाई। अरे अंकित भाई से मिलवाओ भाई। अंकित भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये पेंट हाउस देखो भाई कितना सुंदर बना रखा है भाई ने, पेंट हाउस मतलब बनवा रखा है, खरीदा हुआ है भाई ने। ये देखो भाई बाहर का नज़ारा देखो, अभी तो यार इतना दिखेगा नहीं। ये देखो यार, ओ भाई साहब पूरी सिटी का व्यू जैसे मैं आपको बता रहा था। पर भी नहीं गई है अंकित भाई, भाई ये ऊपर भी आप ही का है, ये उधर वाली जो वो है विंडो वो किसका है? अच्छा इधर से है, आओ ना एक बार दिखाओ ना। चलो अंकित भाई दिखाएंगे, आओ। अच्छा ये एक रूम है, ये इसकी विंडो हो गई है, ये बाहर बालकनी होगी इसकी। अच्छा ये वाली भी आप ही की, मतलब यहीं से कनेक्टेड है ना, ये दो रूम है। सही है यार, और ये इसका वॉशरूम अटैच है, दिखाना किस भाई पर। ये देखो यार स्लाइडिंग है जैसा आपने देखा होगा, मोशन सेंसर लगा रखा। क्या सेंसर लगा रखा है? मोशन सेंसर लगा रखा है। अच्छा 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 अच्छा, परफेक्ट भाई परफेक्ट। ये वार्डरोब हो गया, और क्या खास है भाई यहाँ पे अंकित भाई, दिखाना और क्या खास है, मतलब ऊपर का दिखा दो या तो। एक रूम और ये
एक रूम और भी है, इसमें भी अच्छा स्लाइडिंग, इसमें भी बाहर बालकनी। अच्छा सबके साथ बालकनी मिलेगी, दिखाना भाई एक बार। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, हर थ्री साइड ओपन है ने? अच्छा यार ये भी सही है यार, कहीं भी बैठ सकते हो। देखो आप इधर वाली साइड पे बालकनी थी, अब हम इस साइड पे आ गए हैं। ये कितना बी एच के है? ये 5 बी एच के है, 3 नीचे 2 ऊपर। अच्छा ये नीचे फ्लोर पे है, नीचे 2 है ऊपर, नीचे 2 है, एक रूम मेरा और एक रूम मेरा। और ये अंदर से जैसे आपके डुप्लेक्स जैसे होता है बनी हुई यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये अच्छा ये अटैच बाथ, अच्छा गेस्ट वॉशरूम है। अच्छा ये देखो पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये होता है पेंट हाउस का मतलब। अब सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखो अंदर से ही सीढ़ियाँ हैं घर के अंदर से ही। भाई काफ़ी स्पेशियस है भाई ये तो। ये फिर अगेन वही गेस्ट वॉशरूम? नहीं ये छोटा सा वॉशरूम है। अच्छा ओके ये एक रूम है, ओके उसके डायमेंशन स्ट्रक्चर सेम है जैसे नीचे। अच्छा जैसे नीचे ही है, ठीक है। ये वॉशरूम डन डन, मतलब आपका तो अभी यूज़ नहीं हो रहा होगा इतना ना, ऊपर का सेक्शन यूज़ नहीं करते अब है? नहीं करते। ये रूम सबसे खाली। अच्छा ये रूम सबसे बड़ा भी है आई थिंक, सबसे बड़ा है। स्ट्रक्चर सारा सेम है नीचे जैसा है ना। इसका वॉशरूम कहाँ पर है? इसमें ऐसे ही अलग से स्पेस दिया हुआ है ना थोड़ा, इसके लिए आपका ये वार्डरोब हो गया। ओ अच्छा इसमें बाथटब दिया हुआ है, नाइस ये अच्छा है, नाइस नाइस। ये ऊपर के दो रूम हो गए, एक हो रहा एक ये वाला और एक हो रहा है ना। अच्छा ये ऐसी एरिया बना रखा है, ये भी बालकनी है, ये ऐसी है कॉमन बालकनी है ना। अच्छा अरे देखना कितना है, मतलब चलते चलते बंदा थक जाए इतना बड़ा घर। रूम के अलावा भी देखो, ये एक रूम पूरा, एक रूम ये रहा और फिर ये ऐसी कॉमन एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो बाहर, और फिर आएगा रूम। मतलब इतना चलने के बाद ये कॉमन एरिया है, बाहर बालकनी में बैठ सकते हो, उसके बाद ये तीसरा रूम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, बहुत गैप है। ये एक रूम है, ये छोटा स्टडी रूम मान लो है ना। इस रूम वैसे तो इतना बड़ा मेन रूम भी होता है लोगों का, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से ये बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर घर का, तो उस हिसाब से ये स्टडी रूम है। और इसकी भी बालकनी देखो, अभी यहाँ खड़े थे हम, जो कॉमन बालकनी है पर इसकी अलग से भी निकाल रखी है छोटी सी, नाइस नाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ नीचे से, ये देखो वो स्टेयर्स दिख रही हैं आपको, वहाँ से आया हूँ मैं। चलो नीचे चलते हैं। सो भाई अमेजिंग है एक नंबर का, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा ये कहाँ पर है, और आप दे भी सकते हो पार्टीज वगैरह के लिए। भाई पार्टीज वगैरह के लिए भी देते हो ना बुकिंग करने के लिए? हाँ सो आप बुकिंग के लिए भी देख सकते हो भाई से, पार्टी वार्टी करने के लिए भाई अवेलेबल है, मैं इनके बारे में बता दूँगा आपको। अब देखो आप एक बार यहाँ से गए थे हम भाई, एक नंबर है पेंट हाउस ही लेना भाई। ऐसी कुछ किचन है, इतनी बड़ी किचन देखो, इनफैक्ट किचन के साथ भी बालकनी है। मतलब मैंने ऐसा कोई एरिया नहीं देखा जहाँ पे आपको बालकनी नहीं मिलेगी इसके साथ। अच्छा ये वॉशिंग एरिया भी है यहाँ पे ना? हाँ अच्छा अच्छा सर्वेंट रूम भी दिया हुआ है साथ में, ओके ओके। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये छोटी सी वीडियो थी जैसे अंकित भाई अभी हमसे मिले, उन्होंने पेंट हाउस लिया है, दिस इज अमेजिंग। 5 बीएचके है, यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा एरिया कोई मिल सकता है। हर जगह से 3 साइड इसकी बालकनी है, 3 साइड ओपन है, सुबह उठ के सनराइज दिखेगा, शाम को सनसेट दिखेगा। भाई पार्टी करने के लिए ना इससे बढ़िया प्लेस हो ही नहीं सकती। मतलब हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है चिल करने के लिए कहीं हमें बाहर जाना पड़ता है फार्म हाउस वगैरह में, तो अब अपने ग्रुप में एक भाई के पास अपना पेंट हाउस हो गया, तो ये बढ़िया हो गया कि कभी भी आओ मुँह उठा के और पार्टी करो। और गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने तो अभी जैकेट वगैरह उतार दिया। सो अभी पार्टी करेंगे आराम से, डांस वांस करेंगे, एंजॉय करेंगे अपना। और हाँ
अंकित भाई ये वाला रूम पार्टी के लिए भी मतलब देते हैं ऐसे, एयरबीएनबी भी वगैरह पे तो नहीं देते हैं। अगर आपको लेना हो पार्टी के लिए कोई ग्रुप है तो उसके लिए मैं नंबर डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विच इज़ वेरी अमेजिंग। बहुत बड़ा ग्रुप भी होगा ना, ट्रस्ट मी, आराम से यहाँ पे फिट इन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नंबर डाल दूंगा, डिटेल्स पे बात करके उनसे आप बुक करा सकते हो, जो भी डेली चार्जेस होते हैं। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइज, हम उठ चुके हैं और अब हमारा जाने का टाइम हो रहा है। भाई 12 बजे उठे हैं, आराम से नींद पूरी करी है, बट मेरे को लगा कि मैंने आपको रात को दिखाया था तो अच्छे से नज़र नहीं आया होगा आपको जो पेंट हाउस था। तो निकलने से पहले सनराइज़ सनसेट दोनों मिस कर दिए हमने, पर निकलने से पहले भाई यहाँ पर आपको एक बार ना यहाँ का दिन का नज़ारा भी दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, दिन और रात को कंपेयर कर सकते हो आप। मैं खड़ा हूँ 17th फ्लोर पर और इसकी एक बालकनी है कोई ऐसी, इसमें खड़ा हूँ। ये देखो आप, इस रूम में मैं सो रहा था, तो कि 5 BHK है ये, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था। ये देखो पूरा स्लाइडिंग डोर है, ओए होए मज़ा आ जाता है यार, आराम से दुनिया से सबसे ऊपर सो रहे हो आप। एक रूम वहाँ पर है, एक नीचे, बहुत बड़ा घर है भाई सच में, बंदा अलग अलग रूम में जाके सो सकता है, 5 बंदे हैं एक फैमिली में। और ये एक बालकनी है, इससे सनसेट दिखता है शाम को। यहाँ हमने कल बॉनफायर करी थी, ये पीछे बिल्डिंग के पीछे ना पूरा सनसेट पूरा दिखता है। ये देखो नीचे कोर्ट वगैरह, यहाँ खेल सकते हो आप, और सबसे टॉप पे आप खड़े हो, वहाँ बच्चे देखो नीचे खेल रहे हैं, बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है।